मैंने अपने परिवार के 2-10 लोग खोए हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगा ली। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शर्मा जो कुछ कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूं और इसलिए कह रहा हूं कि हमारे संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, भौंकने की नहीं। और आज हकीकत ये हो गई, जो भौंक रहे हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जाता और जो बोल रहे हैं उनके सुनने पर पाबंदी लगाई जाती है। कहा कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं इन वैक्सीन निर्माताओं से, तुम ज्योतिष हो, ज्योतिषी हो, कि आपको मालूम होता है कि पहली लहर तो बूढ़ों पर आएगी, दूसरी लहर जवानों पर आएगी, तीसरी लहर बच्चों पर आएगी। भाई मुझे ये बता दो, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो एक बीमारी को भी बता सकता है कि अब इस पर आएगी, अब उस पर आएगी। आगे जाकर ये भी बता सकते हो ये हिंदुओं पर आएगी, अब की बार सिखों पर आएगी, फिर मुसलमानों पर आएगी। आप अपनी दवाई का, आप अपने इंजेक्शन का विज्ञापन करना चाहते हो तो ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे ये बता दो, मैं कौन सी वैक्सीन लगाऊं? अभी 2 वैक्सीन है, एक रशिया की आएगी, 10-20 और आ जाएंगी। इस मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन लगाए। मैंने अपने परिवार के 2-10 लोग खोए हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगा ली। हमारे कई डॉक्टर इस देश में दोनों वैक्सीन लगाने के बाद उनकी मौत हुई है। कई स्वास्थ्यकर्मी जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा, कई नर्सिस, कई मरे होंगे। कौन सा एक रिसर्च डेटा है कि जो मरे उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगाई? कम से कम एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं, हमें इस्तेमाल मत करो वैक्सीन के रिसर्च के लिए, क्योंकि इस पर रिसर्च नहीं हुआ है। कम से कम इतना तो बता दो कि यार जो मरे उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगाई थी। 20 वैक्सीन और आएंगी, हम उसके ऊपर, हम सब लोग उन वैक्सीनों का एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रयोग मत करो। अब बच्चों की आएगी यार, पहले बूढ़ों को ले लिया, फिर जवानों को ले लिया, अब बच्चों को ऊपर तो मेहरबानी करो यार। मैं सभी इस देश के मां बापों से कहना चाहता हूं, कुछ मत करो। जो बच्चे तुम्हारे जंक फूड खा रहे हैं, जो बच्चे तुम्हारे खाने के साथ ड्रिंक्स ले रहे हैं, चाहे कोई भी कोल्ड ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, बाहर का खाना बंद करवाओ उनका, उनको घर के खाने खाने की आदत दो।
आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अपनी बच्चों की सेहत के साथ तुमने खुद खिलवाड़ किया है। खुद खिलवाड़ नहीं किया, तुम सबने अपने बच्चों की आदतें खराब की हैं और उन आदतों की वजह से बच्चे बीमार पड़े हैं। एक बड़ा मजाक हो रहा है देश में, घर में रहो बाहर मत निकलो। मैं सबसे पूछता हूं, अगर यही बात मेरे देश के डॉक्टर मान लेते कि हम घर में रहेंगे, यही देश के स्वास्थ्य कर्मी ये मान लेते कि हम घर में रहेंगे, यही स्वास्थ्य कर्मचारी ये मान लेते हम घर में रहेंगे, यही किसान जो सोच लेते कि हमें खेत में हल नहीं चलाना हम घर में रहेंगे, तो भाई मरने के लिए वो लोग हैं जो आपको जिंदा रखे हुए हैं और हम उनकी वजह से जिंदा हैं। यार बीमारी को महामारी मत बनाओ, हम सब पहले से ही डरे हुए हैं, हमें और मत डराओ। हम भूखमरी के मारे हुए इस देश के लोग, हम बेकारी के मारे हुए इस देश के लोग, उसके बारे में सोचो। हमें कम से कम आपसे प्रार्थना है, कोई भी सरकार हो राजनीति से अलग हटकर किसी और के बारे में नहीं सोचे, बेहतर है कि हम बेहतर कैसे आदमी बने, बेहतर कैसे इस देश में जिंदगी को जिए, उसके बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी तकलीफ के साथ आज ये वीडियो डाली है। अगर कोई गलत लगे, मैं इस देश की तमाम न्यायपालिकाओं से, तमाम देश की सरकारों से, तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों से माफी चाहता हूं। मुझे मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना, और मैंने कुछ सही कहा हो तो उस पर अमल करने की कोशिश करना। जय।